हेलो फ्रेंड्स, रिसेंटली मैंने स्कीइंग कोर्स कंप्लीट की फ्रॉम जिम WS मींस जवान इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग पहलगाम। और बिफोर दैट कोर्स मेरे माइंड में बहुत से क्वेश्चंस थे और आई ट्राई टू फाइंड दोज आंसर, बट आई डेंट गेट दैट दोज आंसर बिफोर दिस कोर्स। सो व्हाट आई थॉट कि क्यों ना मैं जब भी ये कोर्स कंप्लीट कर लूँगा फिर मैं एक वीडियो क्रिएट करूँगा और जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस थे वो भी आपको शेयर करूँगा और जो क्वेश्चंस मेरे माइंड में थे वो भी ट्राई करूँगा मैं आंसर करने के लिए। इस कंप्लीट वीडियो को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो फर्स्ट पार्ट में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कैसे आप श्रीनगर से सोनभद्र पहुँच सकते हो, एंड सेकेंड पार्ट में आपको जो भी कोर्स स्ट्रक्चर्स हैं बेसिक एंड इंटरमीडिएट के वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एंड थर्ड पार्ट मैंने कुछ वीडियोज़ एंड फोटोज़ कैप्चर कर रखी हैं सोनभद्र ट्रेनिंग एरिया के, तो वो मैं शेयर करूँगा। एंड लास्ट फोर्थ पार्ट जहाँ मैं आपको ये बताऊँगा कि क्या आपको कैरी करना चाहिए, जो बेसिक चीज़ें हैं वो सबको पता है, बट मैं कुछ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस जो मुझे लगा वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। हाउ टू रीच सोनभद्र फ्रॉम श्रीनगर। तो बेसिकली पहले जो कोर्सेज होते थे जिम के द्वारा वो गुलमर्ग में होते थे, ओके। एंड गुलमर्ग इज़ वेरी इजी टू रीच फ्रॉम द श्रीनगर एयरपोर्ट, बट अभी क्या है कि आपको सोनभद्र जाना है। यहाँ पे दो सिनेरियोज़ हैं, या तो आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो तो बेटर फॉर यू कि आप एक कैब हायर करो कम्प्लीटली। अगर आप 3-4 लोग हो तो आप कैब हायर कर सकते हो फ्रॉम एयरपोर्ट और जो कि आपको अराउंड 4000 लेगी, वो आपको डायरेक्टली सोनभद्र ड्रॉप कर देगी। ये सबसे ईजी भी है। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो फिर आपके लिए कैब कॉस्टली हो जाएगी। सो व्हाट यू कैन डू आई एम गोइंग टू टेल यू। तो यहाँ पे मैंने गूगल मैप में एयरपोर्ट पॉइंट का रखा, यू कैन सी हियर एयरपोर्ट। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू हाउ यू कैन रीच द सोनभद्र। और यहाँ पे आपको 3-4 ब्रेक जर्नी करनी पड़ेगी, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ़ यू हैव अ कंप्लीट डे सो यू कैन ईजिली डू दिस थिंग, ओके। अगर आप फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट जा रहे हो श्रीनगर के, तो आई विल टेल यू कि जैसे ही आप श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंड करोगे आपको 100 या 200 मीटर वॉक करना पड़ेगा, ओके। एंड यू कैन सी दिस एरिया, यू कैन सी दिस वन, दिस एरिया आई एम जस्ट मार्किंग हियर, यू कैन राइट एनीथिंग लाइक दिस दिल्ली रसोई, ओके। सो आपको ये एरिया ट्रेवल करनी पड़ेगी बाई वॉक, ओके। जैसे आप ये वॉक करके निकलोगे बाहर, इस एरिया में आपको मिलेंगे ऑटोस, शेयर टैक्सीज, फाइन। तो स्टेप वन ये है कि आप एयरपोर्ट से थोड़ा बाहर निकलो, क्योंकि एयरपोर्ट के आगे जो आपको टैक्सी मिलेंगी, कैब मिलेंगी, दे आर कॉस्टली। जस्ट वॉक 300 या 400 मीटर और फिर आपको एयरपोर्ट एरिया से बाहर निकलते हो, आपको यहाँ पे ऑटोज, इस एरिया में यू गेट मल्टीपल्स ऑटो एंड शेयर टैक्सी। तो यहाँ से आपको कंगन के लिए बस पकड़नी है बेसिकली। तो कंगन की जो बस है, अभी करेंटली जब मैं गया था तो सौरा से मिल रही थी, अब मे बी इन फ्यूचर इट कैन बी चेंज, बट राइट नाउ यू हैव टू गो सौरा, ओके। सो जस्ट सर्च हियर सौरा, सो आई एम जस्ट गोइंग टू हियर एट डायरेक्शन, सो विल गेट बेटर आइडिया। सो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट हियर सौरा, ओके। सो इट्स अ सौरा, फाइन। सो मैं आपको पहले ही यहाँ गूगल मैप एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सो यू गेट बेटर आइडिया। तो आपको एयरपोर्ट थोड़ा चलना है, ओके, अराउंड 500 मीटर, और फिर आपको ऑटो या फिर एनीथिंग शेयर टैक्सी मिलेंगी जो कि आपको ड्रॉप करेंगी सौरा पे, ओके। एंड दे विल चार्ज अराउंड यू 200 रुपीज़ मैक्सिमम, ओके। इन माई केस आई थिंक वी आई पे अराउंड 150-160 रुपीज़। फिर सौरा से आपको मिलेगी बस टू कंगन, जस्ट एड हियर कंगन। तो पहले यू ऑल्सो गेट आइडिया, ओके। सो कंगन, ओके, फ्रॉम सौरा टू कंगन, ओके। इसके बाद आपको कंगन से अगेन शेयर टैक्सी करनी पड़ेगी टिल सोनभद्र, ओके। तो 3 ब्रेक जर्नी बेसिकली, अगेन हियर यू कैन एड हियर सोनभद्र, ओके, फाइन। तो बेसिकली आपको 3 ब्रेक जर्नी करनी है। फर्स्ट है आपको एयरपोर्ट से सौरा के लिए, ओके, देन सेकेंड सौरा टू कंगन, एंड थर्ड इज कंगन टू सोनभद्र बेसिकली, ओके। और यहाँ पे एक और कैच है, अगर वेदर कभी ख़राब होता है तो आपको जो कंगन से टैक्सी मिलेगी वो डायरेक्टली सोनभद्र नहीं जाएगी, दे विल ड्रॉप यू मिडिल हियर, ओके। इज अ नेम प्लेस नेम गगनगिर, यू कैन सी गगनगिर। तो यहाँ मैं इसको अभी रिमूव कर रहा हूँ, सो यू कैन ऑल्सो एड दिस थिंग लाइक कंगन टू गगनगिर, ओके, गगन। आई एम गोइंग टू मार्क दिस प्लेस इन हियर, ओके। सो जस्ट मार्क हियर, ओके, बेसिकली ये गगनगिर है, फाइन। और फिर यहाँ से आपको जाना पड़ेगा सोनभद्र। तो अगर वेदर ख़राब हुआ तो यू हैव टू डू 4 ब्रेक जर्नी, अदरवाइज आपको डायरेक्टली मिल जाएंगी कंगन टू सोनभद्र के लिए, ओके। तो अगर आप सोलो जर्नी कर रहे हो तो यू हैव टू टेक दिस काइंड ऑफ रूट, ओके। तो बेसिकली मैं इसी आंसर को खोज रहा था बिफोर माई कोर्स, बट मेरे को इसका आंसर नहीं मिला, तो आई थॉट कि इसको वीडियो में शेयर कर लेते हैं।